से महरूम हो गई। एमकेएम के सीनियर रहनुमा शुएब बुखारी जहाने फानी को खैरबाद कह गए। मरहूम एमकेएम के रहनुमा शुएब बुखारी गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद खाली के हकीकी से जा मिले। शुएब बुखारी को 9-0 में बाद नमाज सहर आहों और सिसकियों के साथ यासीनाबाद के शहदा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट आरिफ खान का कहना था कि शुएब बुखारी पार्टी के वफादार थे, इन्होंने मरते दम तक पार्टी से वफादारी निभाई है। उनकी तंजीम के लिए भी आम खिदमत रही हैं। वो एक अच्छे वकील भी थे, अच्छे कारकुन भी थे और कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के वफादार भी थे और मरते दम तक कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के वफादार रहे। उन्होंने जेल की सहूलतें भी झेली लेकिन वो अपने मकसद से और तंजीम के जो तंजीमी तरीक़ेकार थे उससे कभी भी वो दूर नहीं रहे। आज हर आंख अश्क बार है। इनका कहना था कि शुएब बुखारी से निकी मुख्तलिफ वजारतों पर अपने फराइज बखूबी अंजाम देते थे। वो ना सिर्फ पार्टी के अच्छे कारकुन थे बल्कि अच्छे वकील भी थे। दूसरी जानेब एमकेएम रहनुमाओं का कहना था कि मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शुएब बुखारी की नमाज जनाजा में शहर की जानी मानी शख्सियात पार्टी रहनुमा रकीन राबता कमेटी समीत पीपल्स पार्टी के रहनुमा और फैसल अली ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के लिए दुआए मगफिरत भी की गई।